सो ये रहा Redmi Note 9 Prime। एक्चुअली ये Redmi Note 9 ही है जो इंडिया में Note 9 Prime के नाम से लॉन्च हुआ है, और यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन है इंडियाज़ नंबर वन ब्रांड, एक्चुअली मेड इन इंडिया है। और नीचे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन मेंशन है, 5000 mAh का बैटरी यहाँ पर मिलता है। पीछे अगर देखा जाए पीछे यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन मेंशनड है जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। और मेरे पास जो वेरियंट है विच इज़ मिंट ग्रीन, 4GB 64GB रैम रॉम वेरियंट है जिसका प्राइस है 9999 rupees, और एक वेरियंट है जिसके लिए आपको 12000 rupees देना पड़ेगा। सो चलिए जल्दी से हम बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मिलता है यहाँ पर एक कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के अंदर अगर देखा जाए यहाँ पर मिल जाता है एक सिम एजेक्टर पेन, और उसके अंदर यहाँ पर मिल जाता है कुछ यूज़र मैनुअल और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, और यहाँ पर मिल जाता है एक TPU केस। ये जो TPU केस ये सिंपली ट्रांसपेरेंट TPU केस है, कोई भी डिज़ाइन नहीं है, ठीक ठाक क्वालिटी का है, मतलब उतना इंप्रेसिव नहीं है, हटाओ सब कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं डिवाइस के बारे में, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं और देख लेते हैं क्या है। एक स्टैंडर्ड USB 2 Type-C डेटा केबल, उसके बाद मिलता है एक चार्जर। ये अगर रेटिंग देखा जाए यहाँ पर 5V 2A का चार्जिंग मिलता है, लेकिन ये वाला डिवाइस 18W का चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, लगभग 450 से 500 rupees दाम है। ये रहा डिवाइस। जी हाँ, डिवाइस देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसका कलर काफ़ी बढ़िया, और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला आवाज़ आपको मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक मैट फिनिश देखने को मिलता है, प्लास्टिक है एकदम, बट ये जो मैट फिनिश है ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें क्या होता है, ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं होता, ये काफ़ी अच्छा होता है, और ये ग्रिप के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, ये ग्रिपिंग काफ़ी अच्छा होता है। सो नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। एक 6.53 इंच का डिस्प्ले दिया गया विच इज़ अ फुल HD डिस्प्ले है। उसके साथ साथ यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोडक्शन दिया गया, 400 nits का ब्राइटनेस है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा कम है। अभी 10000 rupees के बजट में जनरली सब कोई HD डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, यहाँ पर फुल HD दिया गया है, तो ये एक एड ऑन एडवांटेज है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी सीम्स टू बी प्रिटी गुड, और अगर डे लाइट विजिबिलिटी देखा जाए ठीक ठाक है, उतना बढ़िया नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब मोटा मोटी है आप बोल सकते हो। अगर बात करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में, YouTube में आप फुल HDR 60fps में वीडियो दे सकते हैं। जी हाँ, HDR का सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ओवरऑल जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ये काफ़ी बढ़िया है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, साइज भी ठीक ठाक है 6.53 इंच, तो ओवरऑल वीडियो देखने में आप काफ़ी मज़ा ले पाएंगे। अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज इस्तेमाल करते हो तो ये डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है Xiaomi ने इस बार काफ़ी एक अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड किया है। साउंड टेस्ट करना तो बनता है, इसमें सिंगल बॉटम फैनिंग स्पीकर मिलता है, लेकिन साउंड इसका काफी इंप्रेसिव है, पहले ही बता दिया मैं, जल्दी से प्ले करके आपको बताता हूं। तो साउंड जैसे आप लोगों ने सुना, साउंड इसका काफी जबरदस्त है, थैंक्स टू NCS फॉर द म्यूजिक। डिवाइस में मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G80 का प्रोसेसर, जो काफी एक अच्छा प्रोसेसर है। एक्चुअली इस प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए प्रोसेसर अच्छा है, खराब नहीं है, क्योंकि दूसरे इसके कंप्यूटर इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं दे रहा है। मैंने जितना इस्तेमाल किया है डे टू डे लाइफ में, जो हम लोग टास्क इस्तेमाल करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, या फिर जो भी सोशल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वैसा नहीं आता है। एक्सटेंसिवली यूज मतलब मैंने कुछ कुछ केसेस में देखा है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप कोई लाइव वॉलपेपर यहाँ पर सेट कर रहे हो, या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप बंद कर रहे हो, या फिर मल्टीटास्किंग क्लियर कर रहे हो, तब कभी कभार ये जो डेस्कटॉप का आइकॉन आता है वो आने में थोड़ा टाइम लगता है, या फिर आइकॉन सेटअप पैकअप चेंज करते हो, तो ये थोड़ा सा मुझे स्लो लगा, बट ये माइनर चेंजेस है। और एक चीज़ देखना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आप जो वॉलपेपर में जाते हैं, यहाँ पर वॉलपेपर, या फिर अगर आप कोई भी लाइव वॉलपेपर अगर आप डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर डाउनलोड करने के टाइम में ही मतलब आपको एक ऐड देना पड़ेगा, ऐड देखना पड़ेगा, उसके बाद वो सब आप डाउनलोड कर पाएंगे। सो ये एक चीज़ मैंने देखा है जो मुझे काफ़ी ख़राब लगा एक्चुअली, मतलब कुछ कुछ चीज़ तो फ्री देना चाहिए, हर चीज़ में Xiaomi अभी पैसा कमा रहा है, जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। सो ऐड का जो पंगा है ये इस डिवाइस में है, जो मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा। पबजी का सबसे पहले ग्राफिकल सेटिंग्स आप लोगों को दिखा देता है। यहाँ पर HD हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं, HDR अवेलेबल नहीं है, बैलेंस अल्ट्रा में खेल सकते हैं, स्मूथ अल्ट्रा में खेल सकते हैं, तो मैं हाई में ही खेलता हूँ, HD हाई ग्राफिक्स में सेट करके देखता हूँ कैसे परफॉर्मेंस देता है।
पबजी गेम प्ले काफी बढ़िया था, अभी थोड़ा बहुत एसफॉल्ट 9 खेल के देखते कैसा चलता है। जैसे आपने देखो ओवरऑल अगर गेमिंग परफॉर्मेंस देखा जाए मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं मुझे थोड़ा बहुत एक्सटेंसिव गेमिंग करना है इस डिवाइस में और तब मैं आपको बता पाऊंगा कि G80 का प्रोसेसर कैसे काम करता है। बात कर लेते कैमरा सेटअप के बारे में। 13 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर दिया गया विद एपर्चर F2.2 जो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद है एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और फाइनली एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। सेल्फी में मुझे लगता है थोड़ा सा डाउन कर दिया, 8 मेगापिक्सल का एक ड्यू डॉप नॉच वाला सेल्फी कैमरा दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा दे सकता था। कैमरा के अंदर जाते शॉर्ट वीडियो है, स्लो मोशन है, उसके बाद यहाँ पर वीडियो में आप ले सकते हैं फुल HD 30fps एंड 720 30fps, बस यही दो ऑप्शन अवेलेबल है। मैक्रो टाइम लैप्स ये सभी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। फोटो है यहाँ पर वाइड एंगल है और ये है आपका 2x का जूम, पोर्ट्रेट है और प्रो मोड है, ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। बात कर लेते सेल्फी कैमरा के बारे में, तो ये है सेल्फी कैमरा, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो सेल्फी कैमरा में स्लो मोशन अनफॉर्चुनेटली नहीं है, हालांकि ज़रूरत उतना नहीं पड़ता है। और बाकी अगर वीडियो में देखा जाए यहाँ से भी आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड है और सेल्फी में कोई भी प्रो मोड नहीं है। सो गाइस अभी जैसे आप कुछ सैम्पल शॉट्स देख पा रहे हैं जो मैंने रेयर कैमरा से लिया है एंड फोटोज कम्स आउट रियली वेल, इनिशियल इंप्रेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी पंची कलर के साथ फोटो आता है, बहुत सारा मोड्स है, तो इसको टेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसका फुल रिव्यू मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। और ये कुछ सेल्फी कैमरा शॉट्स है जो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, फोटो ठीक ठाक आया है इसका, एक सिनेमा मोड में वहाँ से भी आप फोटो उठा सकते हैं। सो ओवरऑल सोशल नेटवर्क के लिए ठीक ठाक है। और जल्दी से मैं आपको 2 वीडियो सैम्पल्स दिखाता हूँ सेल्फी और रेयर कैमरा का। तो ये रेयर कैमरा सैम्पल, रेयर कैमरा से आप फुल HD 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर 720fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो कुछ इस प्रकार का वीडियो आएगा। अभी लाइटिंग कंडीशन काफ़ी अच्छा है, शाम का वक्त है, तो अगर डिलाइट में आप आउटसाइड में वीडियो लेते हैं कुछ इस प्रकार का आएगा। और इस डिवाइस में सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन भी है, सो होपफुली आपको अच्छा खासा साउंड भी मिल रहा होगा। यहाँ पर इंस्टेंटली आप जूम कर सकते हैं यहाँ पर अप टू 6x तक, हालांकि जूम करने के बाद क्वालिटी थोड़ा डिग्रेड हो जाता है, और थोड़ा सा जूम करने का कोशिश करता हूँ, बट जूम जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट है, धीरे धीरे हो रहा है बट क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड हो जा रहा है। तो ये है सेल्फी कैमरा सैम्पल, 8 मेगापिक्सल से आप फुल HD 30fps में वीडियो ले सकते हैं या फिर 720p एट 30fps में वीडियो ले सकते हैं। और फॉर द टाइमिंग सेल्फी कैमरा सैम्पल काफ़ी अच्छा लग रहा है, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से काफ़ी क्लियर लग रहा है, मतलब लाइव व्यू देख के काफ़ी क्लियर लग रहा है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी स्टेबलाइजेशन है, बट फॉर द टाइम भी वीडियो सीम्स टू बी प्रीटी गुड, ओके फॉर द सोशल नेटवर्क्स। सो दोस्तों ये था Xiaomi Redmi 9 Prime, 10,000 रुपये के बजट में मुझे लगता है स्पेसिफिकेशन वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इनिशियल इंप्रेशन भी मेरा काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जैसे मैंने बताया ये खाली इनिशियल इंप्रेशन है, इसको और भी टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसका फुल रिव्यू बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और फॉर द टाइमिंग अगर इस डिवाइस के बारे में कुछ भी चीज़ जानकारी लेना है डू राइट इट डाउन ऑन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। सो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डाटा, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।